गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अभी फिलहाल एक बहुत बड़ी सिचुएशन है, मेरे मुंह से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। टूथब्रश है पर टूथपेस्ट नहीं मिल रही है, इसीलिए सबसे पहले इस पूरे होटल रूम का एक चक्कर लगाना पड़ेगा। वैसे अभी सुबह के 11:39 बज गए हैं और इस पूरे वेकेशन में ये ऐसा दिन है जहाँ पर मैं सबसे ज्यादा लेट उठाऊ। यूजुअली इट्स 9:30 के बीच में ऑटोमेटिकली नींद खुल जाती है, पर कल बहुत फटीग और लेट होने की वजह से हम सब ऑटोमेटिकली लेट उठ गए। अभी सिद्धांत, मनोज और सिंघा ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे गया है, दोनों यश अभी भी सो रहा है शायद, तो जाके टूथपेस्ट ढूंढता है और फिर उनसे मिलते हैं। पता नहीं क्यों पर पूरे रूम में टूथपेस्ट मिल ही नहीं रही है। यहाँ पर भी बाथरूम में सिर्फ नैपकिन्स और सोप्स ये सब दिख रहा है, ड्रॉअर भी खाली है। अब आई एम जस्ट होपिंग कि सिद्धांत ने उसके बैग में टूथपेस्ट कैरी किया है, बट आई डोंट नो। छोटा कंपार्टमेंट चेक करता है, शिट यार उसको फोन ही करता है यार, क्योंकि सिद्धांत ही मतलब सबसे ऑर्गेनाइज्ड है इस ग्रुप में, अगर होगी तो उसी के पास होगी। क्या फोन है? रिंग मनोज स्मैश, इवन आप सेपरेट आर मनोज स्मैश। हेलो, हाँ आ रहा हूँ ब्रो। सुन ना, सिद्धांत है उधर, उसको पूछेगा कि उसने टूथपेस्ट कैरी किया है कि नहीं। अच्छा खाना तो बंदी खाना, हाँ ऑमलेट रखा है सर। मैं ये व्यू ऑलमोस्ट भूल गया हूँ, बहुत से पता नहीं ब्रो। ये वाली आई थी ना, फ्लोर कौन सा था? 1 एल एल जाके देखता, वी विल फाइंड आउट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ब्रो। सो इन लोगों ने हमारे लिए एक ऑमलेट बचा के रखा। नहीं नहीं, एक तीन एग वाइट वन होल है, तीन एग वाइट वन होल है। तुम सबने खा लिया? एक चार और मस्क मेल। ब्रेकफास्ट हो गया, अब सीना के आर्यन को बहुत जोर की टट्टी लगी है, पर मैं अभी अभी गया था इसीलिए स्मेल बहुत ही ज्यादा आने वाला है। ऑल द बेस्ट आर्यन, गो। मिशन इम्पॉसिबल, जस्ट वन स्मॉल स्निफ। गुड मॉर्निंग यश, आनंद। अच्छा मुझे अभी वापस हो रहा है, खा ले यार यश। मैं बहुत खा लिया ब्रो, दो तीन ऑमलेट थे, मैंने दो खा लिए, खत्म हो गया मेरा पेट फुल, अब लंच तक पेट भरा रहेगा। शर्मा के तरह शर्मा रह गई पे बैठे। क्या रूम नंबर और सर्विस? रूम नंबर 1000। यस मनोज लेके आ रहा है। बोला क्या? वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ बात कर रहा होता है इनके साथ। आई वुड लाइक टू रिसीव अ बो। हां मैं पहले हो गए तुम्हारी गुड सब लोग हैं, फुल स्क्वाड इज योर। इसका लैपटॉप ला देगा सामने। ए ये क्या शान है ना, बोला क्या बोला क्या बोला? तो मेरी और आनंद की अभी डिस्कशन चल रही थी कि अगर मैं आर्यन को बताता तो वो थोड़ा सोचता और फिर नहीं बोलता, इसलिए मैंने यश आनंद को बोला। वो चला गया आने के लिए। स्ट्रेटजी हो गया, डांस करके दिखाओ स्ट्रेटजी। और एक और कूल चीज बताऊं, रूम की जो है वो मेरे पास है। अब पता है क्या होने वाला? आर्यन आ जाएगा और वो बोलेगा कि रूम की नहीं है मेरे पास। क्या भूल गया? सिद्धांत गुड थ्रो। ओके अब मैं जा रहा हूँ होटल जिम ट्रेन करने के लिए, बाकी सब लोगों का रेस्ट डे है, पर यश आनंद आई थिंक आएगा थोड़ी देर के बाद मुझे कंपनी देने के लिए। होटल जिम कैसा है वो मैंने अभी तक चेकआउट नहीं किया। मुझे एक्चुअली उस द्वारका वाले जिम में जाना था जहाँ पर अलग अलग फ्लोर है, पर इट डजंट मेक सेंस क्योंकि इसके बाद हम मोस्टली बास्केटबॉल या टीटी या कुछ खेलने के लिए जा रहा है, इसीलिए ये प्री खत्म करते हैं और जाके होटल जिम चेकआउट करते हैं। मेरे को थोड़ा सा कार्डियो करना है वहाँ पे, बिकॉज मेरा एक्टिव रेस्ट डे है, तो मैं 30-40 मिनट पे ऐसे इंक्लाइन। कल भी एक्टिव रेस्ट ही था ना? हाँ सैटरडे संडे। अच्छा सैटरडे एक्टिव रेस्ट एंड मार्शल आर्ट्स थोड़ा उसमें मेरे था। फिटनेस सेंटर, आप सबको इस होटल की जिम दिखाता हूँ। मैं एक्चुअली यहाँ पर जस्ट आया पर कैमरा लेने के लिए वापस ऊपर चला गया। सो ये एक 24-hour जिम है। लेट मी गिव यू गाइस अ क्विक टूर, वन ऑफ द बेस्ट होटल जिम्स आई हैव सीन। पर यश ट्रेडमिल पे वार्म अप कर रहा है। एक हाइब्रिड मशीन है जहाँ पर लैट पुल डाउन्स, सीटेड रोइंग ये सब कर सकता है, और आज मेरा पुल डे है सो इस मशीन को मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ। एक छोटी सी लेग प्रेस की मशीन, एक साइकिल, डिक्लाइन बेंच, एक फ्लैट बारबेल बेंच प्रेस,
एक केबल मशीन जो ऑनेस्टली एक्सपेक्टेड नहीं था बिकॉज बहुत सारे होटल रूम्स में सिर्फ मिनिमल इक्विपमेंट रहता है, एक फ्री बेंच फ्री एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने के लिए और डंबल्स लीडिंग अप टू 20 kg शायद, या लीडिंग अप टू 20 kg, एक स्मिथ मशीन पुलअप्स करने के लिए जगह और जस्ट ओवरऑल एक बहुत अच्छी वाइब। आपने जो एंड के जो रोइंग एक्सरसाइजेस देखे वो सिद्धांत ने मुझे सिखाया, सो अ वेरी बिग थैंक यू टू हिम। उसने मुझे अपने लोअर लैट्स पे थोड़ा सा काम करने के लिए बोला है एंड उसने बस ऐसे उसकी उंगली रखी एंड ही टॉट मी अ लॉट ऑफ छोटे छोटे ट्वीक्स जिनके ऊपर मैं आज से काम करने लगूंगा। बट अभी टाइम हो गया है 3:29 एक्चुअली, हम जस्ट ऑन टाइम है बिकॉज लंच का बुफे 3:30 को खत्म होता है। सो भाई एक मिनट बाकी, थोड़ा एक टेबल ऑक्यूपाई करते हैं and let's go eat some good food. Aryan Nadra, you know who lead this? Meher. What fucking word? Meher Paneer. Meher, check this out. Look what I found. You know who lead that? How many I'll get? 5. Okay, 5-6. Wow, fresh? Yes sir. Amazing. Perfect, thank you so much. Ye le Aryan. Kha. अरे फक एंजॉय इधर चिकन, हाँ नहीं फिश एंड चिकन मोमोस। अनफॉर्चुनेटली कल रात को सोते वक्त हम एसी का टेम्परेचर बढ़ाना भूल गए, इसीलिए आई थिंक रूम का टेम्परेचर 22 या 23 डिग्रीज पे था जिसकी वजह से आर्यन को थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, उसको ऐसे कोल्ड फीवरिश टाइप लग रहा है एंड आई थिंक मैं अभी उसको खाना देने के बाद फार्मेसी की दुकान जाऊंगा जहां पर हम कल गए थे और उसको कुछ दवाई ला के दूंगा बिकॉज इतने सारे सालों के बाद आई डोंट लाइक सीइंग हिम वीक एंड सिक स्पेशली वेकेशन पे। एक्सक्यूज मी, could we get some tissues, we are sitting over there. thank you so much. Baat karo sir, workout kaise tha? Ek number, table flies, pull ups, weighted pull ups kiye, leg extensions, lateral raises, so full body type. Sahi hai, yash sharma ka influence ho raha hai mere pe. Yash, workout kaisa tha? I'm high bro, it was so good. I'm high. Ye le, ye try kar, bahut tasty hai. Okay, muesli ka integration hai. Murg do pyaza with steam rice. मुर्ग दो प्याज है या? मुर्ग दो प्याज, हाँ दो ही प्याज वाला है। अगर तीन डालते तो क्या होता? तीन प्याज, मुर्ग तीन प्याज, हाँ। और चार डालते तो? चार प्याज, नहीं और पांच डालते तो? ये खत्म नहीं होगा व्लॉग, ये 3-4 घंटे और चलता चला जाएगा। अगर बहुत दिन से तूने जिम 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 करके पका दिया,
तो अब हम लोग बास्केटबॉल खेलने जाने वाले हैं। स्पोर्ट्स यस। बास्केटबॉल फिर टेबल टेनिस भी खेलते हैं। टेबल टेनिस मुझे हराना है सबको, स्पेशली तुझे। बुलाओ अभिषेक, पैसों का लगा खेलेंगे, ठीक है? डन डन। 5500 की मजा आ जाएगा, मुझे बहुत मजा आता है ऐसे करने में। 500 की टीम है, चलेगा डन। लेकिन कैश रखना पड़ेगा, ठीक है? या फिर आर्यन को जमा करें, पेटीएम करते हैं ना कैश। हां हां ठीक है। ये इसको उसी को हराना है कि अभिषेक को हराना है, इसलिए ऑफिस आना है इसको। और बास्केटबॉल के पहले मैं थोड़ा और कैफीन, मैंने बहुत कैफीन पी लिया यार। सुबह एक कॉफी प्री वर्कआउट और अभी है फीमर गया अंदर, और अब हम इसके ऊपर पानी डालेंगे एंड आवर कॉफी इज रेडी। आर्यन पहली बार गिम्बल यूज कर रहा है, वो बहुत फैसिनेट हो गया। ओह माय गॉड, आर्यन व्लॉग ऐसे कर नेक्स्ट टाइम से। वो लॉक है। गाड़ी किसकी लेके जा रहे हैं? एक और प्लेन, वाओ मैन। एक गाड़ी में बैठ जाएंगे सब। यश अंदर है, कोई मास्क भूल गया था इसीलिए। या देयर ही इज। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को, पता नहीं है कि बास्केटबॉल कोर्ट एग्जैक्टली किधर है। यश को लग रहा है कि डीकैथलॉन द्वारका में एक बास्केटबॉल कोर्ट अवेलेबल है, पर जस्ट एक बार कंफर्मेशन। टीम बेल वाला पाक बोलो आगे दिखाएगा। सिद्धांत ने ऐसे बहुत हाइप करके रखा है। ये सबसे बेस्ट आइसक्रीम सैंडविच जो मिलता है सारे आइसक्रीम वालों के पास से, क्रीम बेल का ही है। आर्यन एक संभल के आर्यन की वजह से इसका पूरा इसको कोल्ड है ना इसीलिए। ऑडियंस को कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। ओके, अब सीन है कि डीकैथलॉन में बास्केटबॉल कोर्ट्स अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए हम एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आ गए हैं पूछने के लिए कि यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं। टेबल टेनिस, स्क्वाश, बिलियर्ड्स, और यहाँ पर थोड़े बहुत बैडमिंटन कोर्ट्स भी है। ये किधर है? वाओ मैन, यहाँ पर वाइब बहुत सही है ब्रो। चाइल्डहुड की याद आई जब हम स्पोर्ट्स वो सब खेलते थे। डैम, टेनिस वॉल प्रैक्टिस, दैट इज इंसेन। स्पोर्ट्स इज द बेस्ट यार। ओह गॉड, क्ले कोर्ट्स। कौन कौन टेनिस खेलता था कमेंट सेक्शन में लिखो। यस मैन, टेनिस यार, मैं कोचिंग के लिए जाता था इसीलिए बहुत फील्स आ रहा है। और आप लोगों को कूल चीज दिखाता हूँ, वहाँ पर आगे एक क्रिकेट का पूरा फील्ड है, वहाँ पर वहाँ लोग भी क्रिकेट खेल रहे हैं। जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। पर किधर है बास्केटबॉल कोर्ट यार? ये सब देखने के बाद मुझे वापस हाँ टेनिस खेलने का मन कर रहा है। तू भी खेलता था? मैं बहुत खेलता था टेनिस, मैं कम्पीट भी करने वाला था। वाओ यार, आर्यन क्रिकेट, दिल्ली इज अ वाइब। एंड आई थिंक एक और है, एक और बास्केटबॉल कोर्ट है राइट ओवर देयर। बस प्रॉब्लम है कि दोनों कोर्ट ऑक्यूपाइड है, इसीलिए मे बी अगर हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि यूट्यूब वीडियो एक्सेट्रा शूट करना है, होपफुली वो अंडरस्टैंड करेंगे। पास ए नाइस यार, तुझे आता है यार बास्केटबॉल? नहीं ना, इतना भी नहीं। मुझे भी इतना भी नहीं आता, मतलब बहुत नूब हूँ मैं। सो सेड अभी दुकान से एक बॉल लेके आया, वो सो मैंने लास्ट टाइम जब बास्केटबॉल खेला था वो था वेदांत के सोसाइटी में। आपको वेदांत ऑलरेडी पता है, अगर आपने गोवा व्लॉग्स देखा है तो यू गाइस ऑलरेडी नो वेदांत। पर हमारे पूरे ग्रुप में सिर्फ आई थिंक सिंगा को और सिद्धांत को थोड़ा बहुत बास्केटबॉल आता है, बाकी सबके सब नूब्स है। मुझे वो फेज याद है आर्यन, ऑफ स्पिनिंग द बॉल। या या ब्रो, आई कैन स्टिल डू इट ब्रो। तेरे रूम में जो फुटबॉल था उसके साथ करता था। मैंने वो फुटबॉल सिर्फ इसी चीज के लिए खरीदी थी, एंड फॉर सम रीजन मेरे को ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करना पड़ा था, इट जस्ट क्लिक। प्रेशर वो नए बॉल से नहीं होता था, मसल मेमोरी। बास्केटबॉल थोड़ा बहुत हो गया, अभी मैं पिछले 10 मिनट से बस यहाँ पर खड़ा हूँ, ये दोनों टेनिस खेल रहे हैं। एंड इससे पता इतने सारे मेमोरीज वापस आ रहे हैं, बिकॉज मुझे याद है 8th ग्रेड और 9th ग्रेड में पूरे 2 सालों के लिए हर शाम को मेरा 5 to 6 टेनिस कोचिंग रहता था कोरिंथियंस क्लब में, इसीलिए बहुत नॉस्टैल्जिक लग रहा है। एंड आई थिंक जब मैं पुणे वापस जाऊँगा तब आई फील लाइक इसकी वजह से, ये देखने की वजह से मेरा जो टेनिस का इनकम्प्लीट अनसेटिस्फाइड पैशन था वो धीरे धीरे वापस आएगा। व्हाट अ स्पोर्ट यार। ओके सब सब मिलिए, क्या क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या बोल रहा? वो कह रहा है बाल सही करके आ रहा हूं। बाल सही करके, अरे यार मुझे यहाँ आने के बाद एटलीस्ट
15-20 लोग मिले हैं, सब बहुत अच्छे हैं यार। आई लव पीपल हु प्ले स्पोर्ट्स। हो गया आदित्य यार, बेटी हो गया। ओके गाइस, आप सबको आदित्य और नमन से इंट्रोड्यूस कराना है। अगर मैं पुणे जाके टेनिस स्टार्ट करता हूँ इन दोनों की वजह से, इन दोनों को देख के, अगली बार जब मैं दिल्ली आऊंगा तब हम एक मैच खेलेंगे, ठीक है? मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, आप लोगों ने इंस्पायर कर दिया आप मुझे। सो ये दोनों जो है ये प्रोफेशनली कम्पीट करता है, और ये अंकल इनकी एज 32 है। इंस्पिरेशन बहुत सही है मैं दोनों के। अलाउ करेंगे पक्का? हाँ, करेंगे। नमन की वजह से मुझे एक रैली खेलने को मिलने वाली है, इवन तो हमने टेनिस कोर्ट बुक नहीं किया है, इसके पास एक्स्ट्रा रैकेट्स एक्सेट्रा है। ओके, अनफॉर्चुनेटली सारे कोर्ट्स ऑक्यूपाइड थे, इसीलिए अभी हम वॉल पे खेलने वाले हैं। हाँ यार, कम लगेगी एक्चुअली। हाँ, टेंशन ना लगेगा। हाँ, थोड़ा स्टिफ का लूज रखो। आ रहा है, वापस आ रहा है।